तो कैसे चल रहे हैं? वेलकम बैक गाइस, आज हम आए हैं कठुआ बाजार में। तो आज का ब्लॉग यही होगा, पूरे बाजार का रोंट लगाएंगे हम लोग, तो दिखाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। जैसा कि ये तो अभी हम गली के अंदर जा चुके हैं, आगे देखते हैं दुकानें आ रही हैं, साइड कपड़ों की दुकान। चलो अभी दुकान आ चुकी है, अंदर चलते हैं। ये बॉडी का है साइड रेडर। तो चलो अंदर चलते हैं, हम भैया से बात करते हैं। तो हमें बताइए कि कठुआ में क्या चीज़ें सबसे अच्छी देखने वाली है? कठुआ में देखने में यही है कि यहाँ पे लोग यहाँ के अच्छे हैं, सेंसिटिव लोग हैं, डिसिप्लिन है यहाँ पे, और इतना कोई बदमाशी गुंडागर्दी नहीं है। तो आपकी दुकान कब खुली है? मेरी दुकान को 6 साल हमारी दुकान 10 बजे खुलती है, सुबह 10:30 बजे खोलते हैं, रात को 10 बजे खुलते हैं। तो आपके पास हमारे पास सारी ट्रेंडी चीज़ें हैं। आजकल के जो कस्टमर हैं सब बढ़िया चीज़ मांगते हैं, हल्दी की कोई नहीं मांगते, सब बढ़िया जो अच्छी क्वालिटी चल रही है, अच्छे फैब्रिक हैं, वही दिखाते हैं। जैसे अगर लोग बाहर भागते हैं, पठानकोट जम्मू भागते हैं, मैं नहीं चाहता कि जहाँ के लोग बाहर जाएँ, हम सब यहाँ पर दुकान पर रखते हैं अच्छी क्वालिटी, तो चल रहा है ट्रेंड फैशन के अकॉर्डिंग। वो कैसे ये हमारे शहर के पैसे हमारे नहीं रहे, इधर ही यूज़ हो, इधर ही हमारा शहर आगे तरक्की करे, बाकी अपने दोस्तों यारों को यही कहूँगा कि सभी यहाँ पे जरूर करिए। आपको जो फैशन के अकॉर्डिंग चीज़ चाहिए हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी, और मार्केट से आपको रेट भी कम मिलेगा, इतनी गारंटी रहेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे भी सारे दुकान मेरे अपने, सारी दुकानें आप जरूर यहाँ पे आइए, ट्राई करिए। तो अभी हम मेन बाजार की ओर जा रहे हैं। तो जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी विल पावर जरूर होती है जो आपको आगे पहुँचाती है, उसको पहचानी है फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो अभी हम एक दुकान में रुके हैं, देखो यार कितनी सजी हुई दुकान है, राखी का समय है तो बाजार पूरा सजा हुआ है। तो देखिए कितना सजा हुआ बाजार है। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार के अंदर, तो जहाँ पे सब्जी मिलती है थोड़ी दूर है, लेकिन जा रहे हैं। देखिए आज कितना रश है, क्योंकि परसों राखी है तो लोग शॉपिंग करने आए हैं। देखिए और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा हुआ है, अभी इसी वक्त पहले बहुत धूप थी।
चुके हैं सब्जी बाजार में, ये पीछे सब्जी लगी है और आवाजें लग रही हैं जहाँ पे लोग सब्जी लेते हैं। देखिए देखिए, तो अभी हम बाजार से बाहर निकले हैं, तो देखिए गाइस इसी जगह में डेली रश होता है शाम को दोपहर को। तो आज थोड़ा मौसम खराब है तो इसीलिए थोड़ा कम हो। आप जानते हैं बाजार की गलियां बहुत छोटी होती हैं और जहाँ पे रश भी काफ़ी होता है। तो अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो चलो गाइस अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो अभी ये बाहर का झंडा आ गया। दोस्तों मेरे को फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है इंद्रजीत 1506, मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मैं मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ। तो मेरे को इंद्रजीत ब्लॉग को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से कर दो। तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे तो अभी हम आपको दिखाएंगे कितना बड़ा थिएटर है। तो मुझे अभी भी जा रहे हैं, हम दो तीन साल पहले इधर ही आया करते थे फिल्म देखने, बहुत इंजॉयमेंट किया करते थे। तो बहुत दिन ही लगते जा रहे, सबसे अलग दिन से जो कॉलेज की लाइफ होती है ना बाजार, वो कभी नहीं बोलती। इस जगह में हम बैठक करते थे, कोई भी टेंशन नहीं होती थी और हम सात आठ दोस्त थे, मिल के आते थे, बहुत ही इंजॉय करते थे, वो दिन नहीं भूलते। देखिए चलो अभी आगे की ओर चलते हैं, ये बहुत कूड़ा है जहाँ पे ये यार सीटी है, कटुआ शहर है, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये म्यूनसिपल कमेटी का काम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कचरे को उठाएं यार, और इस जगह में साफ सफाई रखें। देखिए कितना सामने भारत का झंडा दिखाई दे रहा है और पास में इतना कचरा। कटुआ की मंडी देखिए कितना फ्रूट लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं किसी के साथ बात होती है तो पूछ। सुबह 7 बजे खुलती है, शाम को 10 बजे। और कितना रश होता है, कितना रश होता है। तो अभी कितने लोग आते हैं।